जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे को नए वीडियो में। अब गर्मियां तो अच्छी तरीके से पूरे भारत में आ चुकी हैं, लेकिन मैंने सोचा ठेठुरती ठंड की कुछ यादों को आपके साथ साझा किया जाए। इस वीडियो को मैंने 6 फरवरी को रिकॉर्ड किया था और मैं वेट कर रहा था कि कब गर्मियां पूरी तरीके से आ जाएं, तब एक बार आपसे ठंड की कुछ यादें शेयर करूं। क्योंकि जो ठंड की सुबह होती है उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है, उसका एक अलग ही एहसास होता है। तो ये वीडियो कुछ ऐसा ही खास है जहाँ पर हम लोग दुरंतो एक्सप्रेस में नई दिल्ली से मुंबई तक के सफ़र को तय करने वाले हैं। तो चलिए यात्रा को शुरू किया जाए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। और हाँ, एक और चीज़, आप लोग की हमेशा शिकायत रहती है कि वीडियो में सॉन्ग वगैरह आप मत लगाया करिए। तो भाई, इसमें प्रॉपर ट्रैक साउंड, ट्रेन वाली फीलिंग पूरी आप इंजॉय करिए। इसमें कहीं भी कोई गाना मैं नहीं लगाने वाला हूँ। 22 hours 10 minutes from platform number 2. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी क्रमांक 02। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं नई दिल्ली से मुंबई के बीच में चलने वाली दुरंतो एक्सप्रेस में। तो ये अपनी दुरंतो एक्सप्रेस नई दिल्ली से चलकर सीधा जाके रुकती है कोटा, वहाँ से चल के रतलाम, फिर बड़ौदा और सीधा मुंबई। दूरियों का अंत करने वाली एक कमाल की ट्रेन, बहुत ही तेज ट्रेन इस रूट की, और इसमें खाने पीने की सभी सुविधाएं हैं। आज हम लोग इसके फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर, आपको इंटीरियर दिखाते हैं और ये जर्नी एक्सपीरियंस आप मेरे साथ आज एंजॉय करिए। फर्स्ट एसी का इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 4 लोग वाला रूम, जिसमें से आज हमारी ये 2 सीटें हैं। कुछ ऐसा मिलता है यहाँ पे, आप इस डोर को लॉक कर सकते हो, कर्टन वगैरह है, ऊपर जाना है तो सीढ़ी वगैरह है, सभी चीज़ें सुविधाएं दी हुई हैं। कुछ ऐसा अपना फर्स्ट एसी, और 2 लोग वाला कूप भी होता है इसमें। तो कूप में केवल 2 ही सीटें होती हैं जो कि कुछ ऐसी हैं, और ये 2 लोग के लिए है। तो बढ़िया आराम से आप बंद कर सकते हो उसको, डोर को, और अपनी प्राइवेसी को एंजॉय कर सकते हो, ट्रेन के नज़ारे सभी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। हाल ही में मैंने जम्मू राजधानी में कूप में ट्रैवल किया था, तो जिन लोगों को वो वीडियो देखना है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप कूप की जर्नी देख सकते हो। ठंड अभी ख़त्म नहीं हुई है, लोग यहाँ पर अभी भी ठिठुर रहे हैं। बाकी स्टेशन में आपको खाने पीने की सभी चीज़ें मिल जाएंगी, सुविधाएँ सभी हैं यहाँ पर। ट्रेन का हमारी डिपार्चर है 10:10 पर, अभी भी सफिशिएंट टाइम है। यहाँ पे आपको 2 AC के कोचेज, 3 AC के कोचेज एंड 3 AC इकोनॉमी के कोचेज इस ट्रेन में मिल जाएंगे। बाकी एक चीज़ आप लोग से कहना चाहूँगा, नई दिल्ली स्टेशन में भी भोपाल की तरह एक अच्छी चाय वाली कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे यात्री रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, पर अच्छी चाय यहाँ पे कहीं नहीं मिलती पूरे स्टेशन में। आप किसी भी शॉप पे या किसी भी ब्रांड पे यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आपको अच्छी चाय मिलेगी। ये एक अफसोस की बात है जो इंडियन रेलवेज में हमें फील हो रही है। देखते हैं कब डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब तक 10 रुपये से शुरुआत डेवलपमेंट की नहीं होती, जब तक 10 रुपये आपको शुद्ध नहीं मिलते हैं, तब तक मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बहुत बड़ा बदलाव इंडियन रेलवेज में आया। जब तक चाय, जो कि बेसिक नीड है हर पैसेंजर की सुबह सुबह की, वो शुद्ध ना मिले, तब तक रेलवेज को और ध्यान देना चाहिए अपनी चीज़ों पर। इंदौर इंटरसिटी निकल रही है अभी इंदौर के लिए 9:50 पे। बाकी आप लोग को बता दूँ, इसे सुबह सुबह दुरंतो ओवरटेक भी करेगी। अब हम लोग इसके 20 मिनट बाद चलने वाले हैं, पर सुबह सुबह से ओवरटेक करेंगे, और हो सकता है मथुरा के पहले भी कर दें, कोई भरोसा नहीं दुरंतो का। यहाँ पे हमारी दुरंतो को डिपार्चर के सिग्नल मिल चुके हैं, बिल्कुल 10:10 पर गाड़ी अपनी चलने को तैयार है। अच्छा, इस ट्रेन में ना सेकंड सीटिंग का कोच भी है, एक ही कोच लगता है, एक ही क्या आधा लगता है हिस्सा जिस पर बुकिंग अलाउ है, लेकिन इसमें केटरिंग आपको नहीं मिलती है। भले ही आपको वेज नॉन वेज का ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि दुरंतो ट्रेन है, केटरिंग नहीं मिलेगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना इसमें, लेकिन टिकट आप करा सकते हो। और बिल्कुल 10:10 पर डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। ये होता
होता है प्रायोरिटी का खेल, बिल्कुल डॉट ऑन टाइम ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यानी देश की राजधानी से निकल चुकी है। आज अपना कोच जो है लोकोमोटिव के बिल्कुल ही करीब है, तो कमाल के साउंड आपको सबको सुनने को मिलेंगे। यहाँ पे दुरंतो निकली और उस तरफ प्रयागराज एक्सप्रेस, दोनों एक साथ छूटती हैं, पर आगे कौन जाएगा वो तो आज इस वीडियो में पता चलेगा। देखते हैं कौन सी ट्रेन आगे जाती है। लखनऊ शताब्दी भी आ गई है, मतलब प्रयागराज एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस की रेस चल रही है और बीच में डिस्टर्बेंस के लिए लखनऊ शताब्दी आ चुकी है। कौन सी शताब्दी है बल्कि, प्रयागराज एक्सप्रेस तो काफी आगे निकल गई हमसे। प्रयागराज एक्सप्रेस कानपुर वाली लाइन की ओर निकल चुकी है और हम लोग पढ़ रहे हैं अभी हजरत निजामुद्दीन मथुरा वाली लाइन के, और दोनों के जो रूट है वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं। भाई रेस का विनर तो कोई नहीं रहा आज, पर मजा बहुत आया। दुरंतो का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन में भी हॉल्ट नहीं है और यहाँ में तेज रफ्तार में स्किप कर देंगे। दुरंतो ट्रेन है ना, ये बहुत ही खास है। बाकी दुरंतो ट्रेन भी खास होती हैं क्योंकि भाई वो रुकती बहुत देर देर में, तो इसका पहला हॉल्ट ही मैं आपको बता दूं 465 किलोमीटर के बाद है कोटा। रात 10:10 पर चली है ना, अगला हॉल्ट 345 पे सुबह। एक जो हमारे को पैसेंजर उन्हें सोना भी है तो वो बढ़िया दरवाजा वगैरह बंद करके लाइट वाइट बंद करके सो गए, तो देखो शायद हम भी सो ही जाएं क्योंकि हॉल्ट कुछ है नहीं और सर्विस साथ में कुछ नहीं। पानी की बॉटल आपको कप के साथ दे दी जाती है, सुबह से इसमें ब्रेकफास्ट लंच एंड शायद इवनिंग स्नैक भी है।
तो ये सारी सर्विसेज आपको मिलेंगी इस जर्नी में। बाकी हॉल्ट होगा सुबह सुबह 7:30 बजे तक रतलाम, पता नहीं कोटा में जाऊँगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है, पर रतलाम में जरूर के आपको दिखाऊंगा। उसके बाद बड़ोदरा और फिर सीधा मुंबई, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन स्किप हो रहे हैं। तो भाई आप लोग इसमें से किसी स्किप करने वाले स्टेशन से हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। तो नहाना है ना, तो यहाँ पे शावर रूम भी दिया होता है फर्स्ट एस में, ये चीज़ है। आप बाल्टी वगैरह मंगवा सकते हो टेंडर से और टॉवल भी ले सकते हो बड़ी वाली, गीज़र वगैरह सब दिया रहता है तो वो दिक्कत आपको आएगी नहीं, एकदम साफ़ सुथरा आपको वॉशरूम वगैरह मिल जाएगा इस ट्रेन में। तो शांत भाई सोए थे, चलो गुड नाइट। बाकी दुरंतो ने देख लो अभी 130 की रफ्तार को छू लिया है बस दिल्ली से निकलने के कुछ ही समय बाद, और ये अपनी गैलरी है फर्स्ट एसी की जो कि बहुत ही कमाल की है, जो इसका इंटीरियर बनाया काफ़ी अच्छा दिया गया, मतलब ब्लू थीम में दिया गया है। और रफ्तार आप देख लो लगातार 130 की रफ्तार में चल रही है गाड़ी। जगने के मूड में थे पर हमारे साथ वाले जो अंकल, उन्हें कोटा उतरना है तो भाई वो बेड वेड लगा के लाइट बंद करके सो गए, तो उन्हें डिस्टर्ब करने का मन नहीं। एक्चुअली में 3:45 आएगा कोटा, तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, ना कोई खाने पीने की सर्विस अभी है, कोई भी चीज़ है नहीं, पानी एक बॉटल आपको सर्व कर दिया जाता है जो कि हमें मिल चुका है। तो बाकी जो भी खाने पीने की सर्विस है उससे तो हम कल सुबह ही दिखा पाएंगे, आप ब्रेकफास्ट लंच एंड इवनिंग स्नैक्स ये सभी चीज़ें कल दिखाऊंगा। अब थोड़ा बहुत गैलरी में वॉक करके मैं भी जाता हूँ सोने, और आप उससे सुबह सुबह मुलाकात करता हूँ क्योंकि रात में वैसे भी ना कोई हॉल्ट है ना कुछ दिखाने के लिए, गाड़ी बस एक तरफा भाग रही है। मिलते कल सुबह, अभी के लिए गुड नाइट। अंकल हमें जबरदस्ती सुलाने वाले थे लेकिन नहीं सोए क्योंकि और भी पैसेंजर हमारे सामने वाले थे, भैया हम लोग बात करने लगे बैठ के। अब एक चीज़ ये है कि ये दुरंतों का प्रायोरिटी और इज्जत तो कुछ है ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा फील हो रहा है, है भी सही और नहीं भी है। मतलब ऐसा कि गाड़ी को तो ओवरटेक कर दिया लेकिन मथुरा के आउटर पर 15 मिनट से खड़ी हुई है, उसका पीछे का कारण ये है कि इसको स्लैग इतना दिया हुआ है। अगर इसको चाहे तो मेरे को लगता है दिल्ली सॉरी मुंबई ये 2-2.5 घंटा और बिफोर ले जा सकती है। हाँ 2 बजे तक पहुँच सकती है। इंदौर इंटरसिटी इसके आगे आगे चलती है एक्चुअली कोटा तक, 3:25 उसका अराइवल है और 3:35 उसका डिपार्चर है कोटा से, और इसका 3:35 अराइवल है, फिर भी इंदौर इंटरसिटी के आगे आई है, कोटा भी पहुँच जाएगी पर आगे उसी को छोड़ेंगे क्योंकि जिस ट्रेन का टाइम पहले वही आगे जाएगी, बात है वो वाली बात है। और कुछ मतलब इसको जब इसके स्टॉप है ही नहीं भरतपुर बयाना और सवाई माधोपुर कुछ नहीं है, कम किया जाए तो 1.5-2 घंटे फालतू दिए हुए हैं, इसको भी भगाना चाहिए भाई, बहुत धीरे धीरे इसको लेकर के जाए। और ऐसा ही कि इसके आगे कोई गाड़ी है नहीं, इसे नॉन स्टॉप भगा सकते हैं, पूरा स्लॉट है बट उतना स्लॉट मिलता नहीं है गाड़ी को, वो एक भयंकर इशू है। अभी भी देखो 15 मिनट से तो आउटर पे ही खड़ी है, तो क्या ही मतलब है जब और इसको सुबह रतलाम 7 बजे का दिया हुआ है, ये हमारे लिए अच्छा है कम से कम रिकॉर्डिंग नहीं, पर ये चीज़ रतलाम 6:30 के आसपास पहुंच जाती है, स्वराज भी इसके आगे चलती है ना, बस स्वराज निकलेगी और हमें एंट्री मिल जाएगी, स्वराज ने भी ओवरटेक किया होगा।
इंदौर इंटरसिटी वॉच. हाँ नहीं नहीं तो हाँ करेक्ट किया होगा. स्वराज भी टॉप प्रायोरिटी गाड़ी इसके आगे चल रही तो उसने भी ओवरटेक किया होगा. और ये सब कहानी इंडियन रेलवे की आपको जानने मिलेंगी. हम भी जग रहे हैं, आप भी जागो. मथुरा जंक्शन हमारी ट्रेन का हॉल्टिंग स्टेशन नहीं है और यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटक एक्सप्रेस जो कि डेढ़ घंटा रीशेड्यूल चल रही है. पता नहीं उसके आगे निकलेंगे कि नहीं, पर यहाँ पे सिग्नल रेड दे रखा है. हमको क्लियरेंस मिलेगी कि गारंटी तो नहीं है मेरे पास. टाइम देख लो, 11:50 के आसपास स्किप करना चाहिए था. डीले हो चुका है हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे. गाड़ी आउटर पे ही खड़ी थी, मैं बता रहा हूँ ना, 12:05 पे आउटर पे आ गई थी, तब से खड़ी है. बहुत तगड़ा लाइनअप है आगे स्वराज, फिर कर्नाटका, उसके पीछे हम लोग हैं, उसके पीछे इंदौर इंटरसिटी. तगड़ा लाइनअप है यहाँ पर. और यहाँ पे कर्नाटका एक्सप्रेस को भी दुरंतों के आगे आगे निकाल दिया जा रहा है. उससे रूट अलग है लेकिन आगे आगे निकल रही है, ये अलग दुख की बात है. और इसी के साथ आपको दर्शन होते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा रेलवे स्टेशन के. प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे कर्नाटका खड़ी थी. देखो पूरा सुनसान सा हो गया स्टेशन और यहाँ दुरंतो खड़ी है. सिग्नल यहाँ अभी से नहीं दिया गया है. काफ़ी निराशाजनक है कि प्रायोरिटी कुछ नहीं दी जा रही है. दुरंतो यहीं खड़ी है मथुरा में, 1 बजने वाले हैं रात के. पटना कोटा एक्सप्रेस भी आ चुकी है सामने. मुझे लगता है इंदौर इंटरसिटी को यहीं पर ना आगे निकाल दें. समझ नहीं आया मुझे ओवरटेक करवाया क्यों. मैं तो एक्साइटेड होके उठ गया, मैं तो सोने जा रहा था. मैंने देखा इंदौर इंटरसिटी का ओवरटेक हुआ, उससे पहले खजुराहो वाली जो गाड़ी थी कुरुक्षेत्र खजुराहो उसका ओवरटेक हुआ. मैं दोनों तो भाग रही बढ़िया, मतलब प्रायोरिटी मिल रही है. जब उठा हूँ तब से तो भाई ये ऐसे खड़ी है कि निराशा हाथ लग रही है. मैं जा रहा हूँ वापस सोने, मेरे से नहीं वेट हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. अच्छा चलो यार, मेरा दुख समझ गया लग रहा है. जैसे मैंने बोला मैं जा रहा हूँ सोने, गाड़ी को डिपार्चर सिग्नल मिला है यहाँ से. अब मुझे नहीं लगता कि ये पहुँच पाएगी रतलाम सुबह 7 बजे तक, क्योंकि यहीं पे जो डिले हुआ ना, यहाँ से लगभग 6-6.5 घंटे तो रतलाम लगता ही है. और अभी 1 बज रहे हैं. हाँ तो वैसे 7 बजे का टाइम है. स्लैक हटा दिया जाए तो थोड़ा भी ऊपर नीचे हुई तो गाड़ी लेट हो जाएगी रतलाम में. अब देखते हैं सुबह रतलाम को पहुँचते हैं हम लोग. फिलहाल के लिए गुड नाइट, फाइनल गुड नाइट है ये. रणथंबोर एक्सप्रेस इंदौर जोधपुर बढ़ते हुए, मैं इसी का कब से वेट कर रहा था निकलने का. दूसरी तरफ तो गुड्स ट्रेन आ चुकी है. और हमको भी रतलाम में एंट्री का सिग्नल मिल चुका है. जिससे अभी रणथंबोर एक्सप्रेस गई है, ये सीधा निकलती है चित्तौड़गढ़ के लिए. आगे अजमेर और उदयपुर दोनों ही जगह आप जा सकते हो. बाकी पहले एक सेक्शन जो है मीटरगेज का हुआ करता था, तो यहाँ से वाया फतेहपुर चंदावत, फतेहाबाद चंदावत सीधा इंदौर के लिए लाइन गई हुई है. मुंबई सेंट्रल हिसार दुरंतो एक्सप्रेस. बाकी एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अब दुरंतो ने अपनी पहचान खो दी है. देखिए 3 डिब्बे दुरंतो के रंग के यानी लिवरी के, और यहाँ पे साथ में देखिए बाकी LHB, बीच में 1-2 और ग्रीन. तो इंडियन रेलवेज को ध्यान देना चाहिए दुरंतो जैसी गाड़ियों पे, और इनकी जो क्वालिटी जो गिर रही है ना उसको ज़रूर संभालना चाहिए.
स्टाफ एक दूसरे को वेव करते हुए यहाँ पे। सुबह 7 बजे का अराइवल टाइम था रतलाम का, पर थोड़ा सा डिले हो गया 10 मिनट का। इसी के साथ सुप्रभात दोस्तों, दिन की शुरुआत के जो शॉर्ट्स से आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए ज़रूर। दो दो ट्रेनों से यूनिक क्रॉसिंग हुई, पहला तो रणथंबोर एक्सप्रेस और दूसरा दुरंतो एक्सप्रेस जो कि हिसार के लिए जा रही थी, जिसमें हम लोगों ने ट्रैवल किया है। वो जर्नी आप लोगों ने देखी है मेरे साथ मुंबई से हिसार तक, और नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नहीं तो यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए, दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। मज़ा आया था कि नहीं बताना ज़रूर। हाँ, साथ साथ रतलाम में 3 चीज़ें फेमस हैं, ट्रिपल एस, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इस बार भी बताया था, पर मुझे उन 3 में से क्या पसंद है बताऊं? साड़ी और सोना तो मुझे नहीं पसंद है, पर मुझे पसंद है सेव। तो जब भी श्रेयांश भाई आते हैं ना, क्योंकि श्रेयांश भाई रतलाम से ही हैं, तो जब भी श्रेयांश भाई ट्रिप पे आते हैं तो 1 या 2 पैकेट तो मैं मंगा ही लेता हूं घर के लिए। घर जाके बढ़िया चाय की चुस्की के साथ रतलाम की सेव, अलग ही मज़ा। और यहाँ के पोहे भी भाई बहुत ज़ोरदार होते हैं। रतलाम शहर को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और यहाँ के ब्रेकफास्ट वगैरह का एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ हम सफर के लिए। तो भाई रिकमेंड कर दो क्या क्या आप देखना चाहते हो, क्या आपको रिकमेंडेशन है आपकी रतलाम शहर से। बाकी ट्रेन पता नहीं यहाँ कितनी देर रुकेगी। एक रेल कोच रेस्टोरेंट यहाँ पे खुल चुका है रतलाम पे, ये आपको दिखा देते हैं। ट्रेन तो अपनी यहाँ पीछे है। रेलवेज ये बढ़िया कर रही है, देखो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स यहाँ भी खोल दिया, बड़ा एरिया में खोला है, एक चौपाटी जैसा इसको बनाने की कोशिश चल रही है रेलवे की लग रहा है। और बाकी पूरे रतलाम स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है, क्योंकि इसको और डेवलप्ड स्टेशन बनाने की कोशिश जो है वो चल रही है। बाकी अभी हम लोग आ रहे हैं ठंड से, मतलब स्नो से आ रहे हैं सीधा, तो हमें आगे ठंडी फील नहीं हो रही, पर लोगों के लिए जगह काफ़ी ठंडी है। श्रेयांश भाई वेलकम टू योर ओन सिटी रतलाम। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ ठंडी लग रही है? ठंडी 13-14 डिग्री है, पर ये महसूस नहीं हो रही कह रहे, मतलब फील नहीं हो रहा, क्योंकि शायद हो सकता है हम बहुत ज़्यादा ठंडी जगह से आ रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए थोड़ा सा। हम लोग मतलब ऐसे टी शर्ट वगैरह खोल के, मतलब जैकेट खोल के घूम रहे हैं, और बाकी लोग पूरा कान वान ढके हुए हैं, तो क्या ही बोलूँ, देखो यहाँ पे हाल। बाकी मिलते हैं आप लोगों से डिपार्चर पे। ट्रेन के यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट वैसे आज होने वाला है, और ये सेकेंड हॉल्ट है, इसके बाद ट्रेन सीधा वडोदरा रुकेगी और उसके बाद सीधा मुंबई। ये खास बात है दुरंतो एक्सप्रेस की, नॉन स्टॉप भागती है। और यहाँ अपनी गाड़ी को डिपार्चर सिग्नल भी तुरंत मिल गया था रतलाम से, मुझे लगा था 10 मिनट रुकेगी, पर 5 ही मिनट में अब डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है। यहाँ पर रतलाम से प्रोसीड सिग्नल मिल चुका हम लोग को तुरंत ही, गाड़ी यहाँ से चलने के लिए अब तैयार है। ट्रेन में सेकंड सीटिंग का हमारे कोच लगा हुआ है, स्टॉपेजेस बहुत कम है, तो अगर आप उसमें ट्रैवल कर रहे हो तो पानी खाना अपना लेकर के चलना, वरना भाई थोड़ी बहुत दिक्कत तो आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कनेक्टिविटी है नहीं, तो आप खाना पीना ले नहीं पाओगे ट्रेन के अंदर का कुछ भी। यहाँ पे रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स इन लोगों ने खोला तो है, पर हल्दीराम तो खैर हर जगह है, किसी लोकल ब्रांड को मौका देना चाहिए, एमपी की ही किसी लोकल ब्रांड को मौका देना चाहिए, या रतलाम की जिसको सपोर्ट करना चाहे गवर्नमेंट, क्योंकि हल्दीराम तो जो है वो यूनिवर्सल ब्रांड हो गया, पर जो लोकल है जैसे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट वाली जो स्कीम है, वैसे ही कुछ अगर यहाँ मिलता है ना, तो यहाँ के जो लोकल जो हैं इंडस्ट्रियल्स, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा मुझे लगता है। हल्दीराम तो हो गया भाई, सब जगह वही है, उतना मज़ा आता भी नहीं है।
रतलाम से तो भाई कूप बी खाली हो गया था, तो हम दोनों भाई इसी में आ गए क्योंकि वहाँ पे अपने साथ वाले पैसेंजर सो रहे हैं और यहाँ पे मॉर्निंग टी आ चुकी है, जहाँ पे एक हमारी लाइट और चाय आपको मिलती है। शांश भाई आपका घर भी स्किप होने वाला हुआ ना बामनिया, देखो ये होता है हम लोग के साथ ट्रैवलिंग में कि अपना घर भी स्किप हो जाता है जर्नी एंड टू एंड करने के लिए। बाकी फर्स्ट एसी की जर्नी की सबसे बेस्ट चीज़ ये लगती है ना कि यहाँ कंफर्ट तो आपका होता ही है, खैर खर्चा भी वैसे ही लगता है। इस ट्रेन का किराया हम लोगों ने 5200 पर हेड पे किया, पर यहाँ जो सर्विसेज है ना एकदम फ्रेश मिलती है आपको। बाकी जो क्लासेस है 3AC 2AC उनका तो खाना बन के आता है, चढ़ाया जाता है रतलाम पे, चढ़ा था आपने देखा होगा। और यहाँ पे जो है फर्स्ट एसी का खाना ट्रेन में ही बनाया जाता है, चाय भी जो है ना बहुत बढ़िया सर्व की है, आप देख लो एक बार, देख के क्वालिटी समझ में आ रही होगी। देखो है एक्चुअली में वर्थ इट है। और ब्रेकफास्ट देखते हैं कैसा सर्व होगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने अभी मैं बगल से गुजरा था उपमा की स्मेल आ रही थी। ऑप्शन सुनो, मैंने पूछा था पोहा उपमा और कटलेट, आप क्या लेना चाहेंगे? हम तीनों लेना चाहेंगे, हम तीनों लिए हम टेस्ट जरूर करना चाहेंगे। फर्स्ट एसी में अनलिमिटेड होता है ना, तो आपके ऑप्शन होते हैं। थ्री एसी में क्या फिक्स होता है, अगर उपमा है तो उपमा, पोहा है तो पोहा। हाँ लेकिन ऐसा है कि उपमा अगर लोगे तो फिर दूसरी से नहीं ले पाओगे, तो एक बार कंफर्म कर लेना। हर गाड़ी में अलग अलग होता है और डिपेंड करता है खिलाने वाले पे, वो मन से खिलाना चाहता है तो आपको सब खिला देगा, नहीं खिलाना चाहता है तो पैसे ज़रूर मांगेगा आपसे। सेक्शन है ना मुझे बहुत खूबसूरत लगता है सुबह सुबह। पंचपिपलिया घाट तक तो आपको ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे से पहाड़ जैसे, जिससे मॉनसून में तो और खूबसूरत लगते हैं। भाई का घर आ चुका है।
लोग दाहोद पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए कहीं से तो ये लाइन आ रही है जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। तो जो लोग भाई दाहोद से, जरा बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये रूट कहाँ के लिए अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अभी वायर वगैरह कुछ नहीं लगा है और जितने जो पत्थर वगैरह वो भी फैले हुए हैं अभी। छोटा छोटा इंदौर या क्या, छोटा उदयपुर इंदौर वाली फिर भी एक ट्रैक पे काम तो चल रहा है। इंडियन रेलवे नया ट्रैक बना रही है आप लोगों के लिए, शॉर्टकट हो जाएगा इंदौर यहाँ से काफ़ी फिर और यहाँ पे दुरंतो फिर से धीरे हो चुके, क्योंकि हमारे आगे आगे चल रही है स्वराज एक्सप्रेस जो कि वडोदरा तक वो गाड़ी ओवरटेक देती नहीं है और ये धीरे धीरे हर जगह से ही उसके स्टॉप है मेघनगर और दाहोद और ये सब जगह, तो वो भी धीरे धीरे जाती है भैया उसके पीछे धीरे धीरे जाती है। अगर वैसे देखा जाए तो दुरंतो बड़े ही आराम से पहुंच सकती है मुंबई 2 बजे तक। स्टाफ से भी बात हुई, वो भी ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा इसको धीरे लेके जाते हैं, अब देखते हैं क्या होगा। स्वराज एक्सप्रेस को फिर से आगे आगे निकाल दिया गया है और हम लोग यहाँ पे दाहोद स्किप कर रहे हैं। जो लोग दाहोद से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर आप लोग। क्या लगता है दुरंतो को रोक देंगे क्या आज? तो दुरंतो ने अपना जवाब खुद ही दे दिया कि नहीं भाई नहीं रोका जाएगा इसे यहाँ पे, वी आर गुड टू गो। देख रहे हो स्पीड आप, ये दुरंतो काफ़ी तेज़ हो सकती है इंडियन रेलवेज़ में, बट इसको बहुत क्रॉल कराया जाता है। रात में इंदौर इंटरसिटी क्रॉल करवाती है, दिन में स्वराज कराती है वडोदरा तक और शायद सूरत तक, उसके बाद ओवरटेक किया जाता है इस ट्रेन द्वारा उसे। ये गलत बात है, ओवरटेक एक बार दे के देखो फिर ये गाड़ी क्या भागेगी तब आपको पता चलेगा। माननी पड़ेगी कि केटरिंग स्टाफ बढ़िया है, हमने कहा नहीं हमें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी लाके दो, तो दोनों के लिए लाएँ, मुझे लगा कि कटौती करेंगे तो एक ही बंदे के लिए लाएंगे, पर पोहा भी आ गया है, उपमा भी आ गया है, कटलेट भी देख लो बढ़िया लग रही देखने में, और यहाँ है सरप्राइज क्योंकि यहाँ है आपके लिए केचप जैम, यहाँ पर शुगर है, सॉल्ट है, पेपर है, एक सैनिटाइज़र, बटर, मेनू में तो काफ़ी कुछ है, और यहाँ मिल्क भी आ गया है। तो मिल्क थोड़ी देर में हम लोग ले लेंगे खुद से, थैंक यू भैया। और साथ में यहाँ पे ब्राउन बटर, साथ में यहाँ पे ब्राउन ब्रेड है और कॉर्नफ्लेक्स आपको मिलता है ब्रेकफास्ट में फर्स्ट एसी में, और साथ में कोई ना कोई फ्रूट मिलता है, तो यूजुअली बनाना ही होता है क्योंकि जल्दी ख़राब भी नहीं होता और ये इजी टू हैंडल है। और साथ में यहाँ पे कटलरीज हैं अपनी, आप ब्रेकफास्ट की शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे दोनों भाई लोग ट्रैवल कर रहे हैं और इंस्टा के लिए फोटोशूट वगैरह भी चल रहा है, तो भाई खा के बताएंगे क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी। देखने में और खुशबू तो इतनी बढ़िया है जिसका कोई जवाब ही नहीं। कटलेट सबसे पहले मैं ट्राई कर ही लेता हूँ, रहा नहीं जा रहा है कटलेट क्योंकि मेन होता है, मैं बहुत टेस्ट करूँगा। हार्ट शेप का जोरदार उच्च कोटि का कटलेट में सौंफ जीरा तो दोनों पड़ा हुआ है, फ्लेवर चाहिए होता ना कड़ी पत्ता हल्का सा तीखा सॉफ्ट एकदम। ट्राई मैं ट्राई करें क्या, मैं ट्राई करता हूँ, मैं भी करता हूँ साथ में। गरम गरम है, बढ़िया से वेजिटेबल डली है, फ्रेश बना है पक्का, ही बात भी गारंटी है। बहुत तगड़ा टेस्ट है, अलग ही लेवल का मज़ा आ गया। ये देखो एकदम ताज़ा है, देखो सॉफ्ट एकदम जैसा आपको चाहिए होता है ट्रेन जर्नी में, और पोहा भी काफ़ी बढ़िया लगा है देखने में। मैंने एक बाइट यहाँ पे मार ली थी, पोहा एक्चुअली में बहुत बढ़िया था। बाकी यहाँ पे देखो वैरायटी है, बनाना वगैरह भी है, ये तो भाई अजीब होता है, ये ट्रेन वाला मती का हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी कटलेट वगैरह जो फ्रेश बनता है ना वो आइटम आपके लिए रिकमेंडेड है। काफ़ी ज़ोरदार सर हुआ इसमें ब्रेकफास्ट, 10 में 10 रेटिंग देना चाहूँगा भाई। आप 10 ना, सर्विस के हिसाब से 10 out of 11। हाँ जो सर्विंग के लिए भैया है ना वो तो और भी बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत पोलाइट एंड हम्बल स्टाफ है यहाँ पे।
स्किप कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाकोर आनंद रामघाट नडियाड अहमदाबाद जाने के लिए गाड़ी यहीं से बदलिए। गोधरा कांड के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना या पढ़ा होगा, और उसी के निशान सामने आप देख लो कुछ जले हुए रेक्स वहाँ पड़े हुए हैं साबरमती एक्सप्रेस के। अच्छा वैसे ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। अगले पार्ट में मुलाकात करता हूँ इस जर्नी के, वहाँ पे देखेंगे स्वराज एक्सप्रेस का ओवरटेक कहाँ होता है। दिल्ली से हमारी ट्रेन के आगे आगे चल रही है और वडोदरा में भी वो हमारी ट्रेन के बगल में खड़ी थी। वडोदरा से मुंबई के बीच में ओवरटेक होने वाला है, तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आएगा पार्ट टू में भी। और ये ओवरटेक का सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि दुरंतो ट्रेन है, तो वाहवाही तो दुरंतो की होनी ही चाहिए। बाकी आप लोग अंदाज लगा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ओवरटेक कहाँ पे होगा या किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में होगा। तो देखेंगे ओवरटेक होता कहाँ पे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।